हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ बना रहे हैं पर्ल्स का ड्रेस। पर्ल्स का वर्क कर रही हैं, मोती और स्टोन का वर्क करेंगे। इसके लिए पहले मैंने यहाँ पे डिज़ाइन इस तरह से बनाया है और इसके लिए लगेगा पर्ल्स, यानी ये शेप ड्रॉप शेप के मोती है, ड्रॉप शेप है। और ये देखिए, ये इस तरफ से एक साइड से ये स्टिक करने वाला है, इसमें कोई होल नहीं है, इसको आप स्टिच नहीं कर सकते, इसे स्टिक करना है, चिपकाना है। जिसके लिए हम यहाँ फैब्रिक ग्लो लेंगे और ये भी स्टोन स्टिक करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, इस तरह से स्टिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप इसे हाथ से भी स्टिक कर सकते हैं और इसे इस तरह फोर्सेप्स से भी लगा सकते हैं। यहाँ ड्रॉप इस्तेमाल किया है मैंने, यूज़ किया है। इस तरह से सीक्वेंस हम तैयार करेंगे। ये सारे पर्ल्स और ये स्टोन्स सब इसी तरह से स्टिक करना। ये ग्लो हमने लगाया है और हम इसे हाथ से भी स्टिक कर सकते हैं। सिर्फ सीक्वेंस का ध्यान दें कि बराबर लाइन में हो, एक के बाद एक। पर हाथ से लगाने में हाथ पे भी स्टिक होता है, हाथ पे भी चिपक जाता है, तो इसलिए मोस्टली इसको अगर फोर्सेप्स से लगाते हैं तो ज़्यादा इजी होता है। तो हम यहाँ इसे फोर्सेप्स से लगाएंगे। बस ये एक सीक्वेंस में रहे, एक लाइन में रहे सही से, क्योंकि ये स्टिक होने के बाद फिर इधर उधर नहीं हो पाएगा। तो इसकी सीरियल ख्याल रखिए। और हम ऐसे ही पूरा नेक रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेप यूज़ किया है। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी राउंड शेप या फिर फ्लावर शेप, किसी भी तरह का इससे छोटा वाला ड्रॉप आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अलग अलग स्टिक करने वाले पर्ल्स मिलते हैं, उससे हम ये पूरा नेक रेडी करेंगे। ये बहुत क्यूट लगता है और ये स्टिक कैसे, ये देखिए अभी कहीं कहीं ग्लो दिखाई दे रहा है, तो ये ड्राई होने के बाद हट जाएगा, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ज़्यादा ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे कपड़े के नीचे पेपर रखना है ताकि दूसरी प्लेस पर ये चिपक ना जाए। क्योंकि यहाँ पर नहीं सर। और हम ये नेक्स्ट राउंड भी, यहाँ जो थर्ड लाइन है इसमें भी मैं यहाँ पे ये वाली लाइन में ये स्टोन यूज़ करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ये गम यहाँ पे ग्लो लगाया है और उस पर हम ये स्टिक कर रहे हैं, ये वाले स्टोन।
ऐसे ही मैं बाकी सारे पूरे नेक पर ये वाली लाइन पूरी, मुझे आउटर लाइन बनानी है, तो ऐसे ही पूरे स्टोन्स को एक के बाद एक इस तरह ग्लो के ऊपर रखेंगे और ये एक सीक्वेंस में आना चाहिए, एक लाइन में बराबर। तो इस तरह नेक रेडी होने के बाद फिर इसे ड्राई होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये हमारा नेक रेडी हो गया है, सारे स्टोन एंड पर्ल्स सबको मैंने यहाँ पे स्टिक किया है, लेकिन अभी ये थोड़ा ड्राई होना बाकी है तो इसलिए इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद देखेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर पूरा गम ड्राई हो गया, सूख गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सबको ये लगता है कि ये गम है और ये ग्लो से चिपकाया हुआ है तो पानी से निकल जाएगा, धोने से निकल जाएगा, तो ये सही है। इसके लिए हमें एक मेथड यहाँ यूज़ करना है, इसको बैक साइड से, मतलब जहाँ पर हमने ये पेस स्टिक किया है उसकी बैक साइड हमें प्रेस करना है। ये देखिए ये वर्क है और इसकी बैक साइड यहाँ पर पहले अच्छे से इसे अच्छे से बिछा लें इसको इस तरह और फिर प्रेस करें। ये देखिए ये वर्क है और उसकी बैक साइड यहाँ पर, अगर आप इसे हाथ से चेक करते हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि वर्क कहाँ पर है। ये वर्क है हमारा यहाँ किया हुआ, इस पर हम गरम प्रेस रखेंगे, बहुत गरम नहीं रखना है। यहाँ पर अगर आपका कपड़ा बहुत थिन है, बहुत ही पतला है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट प्रेस ना रखें, उसके ऊपर एक दूसरा कॉटन का कपड़ा रखकर फिर उस पर प्रेस घुमाएं। प्रेस से ऐसे प्रेस करना है, प्रेस से दबाना है। अगर पतला कपड़ा होगा जैसे जॉर्जेट, शिफॉन या सिल्क, तो उसके लिए फिर आपका कपड़ा आयरन को चिपक सकता है, जल सकता है, इसलिए आप उसके ऊपर एक दूसरा कॉटन का कपड़ा यहाँ पर रखें और फिर उसके ऊपर प्रेस रखें। यहाँ मैंने कॉटन यूज़ किया है इसलिए मुझे यहाँ पे कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं 2 से 3 दफ़ा इसे डैप करूँगी, इस तरह से प्रेस करूँगी, तो मेरा जितना भी वर्क है वो बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा, फिर इसके निकलने का कोई चांसेस नहीं होता, ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। और फैब्रिक ग्लो यूज़ करने का यही एक लास्ट मेथड होता है, यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, स्टेप होता है कि इसमें आप लास्ट में प्रेस करें पीछे से। ये हो गया प्रेस और अब आप खुद भी देख सकते हैं हाथ लगा करके कि ये बहुत ज़्यादा स्टिक हो चुका है। अब इसको पानी से कोई टेंशन नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, अब आप इसे डायरेक्ट सिल सकते हैं। रेडी हो गया है हमारा नेक। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।